तो गाइस ये है मेरा एग्जाम सेंटर। हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग एंड राइट नाउ मैं आई एम गोइंग टू गिव माय एग्जाम व्हिच इज डे आफ्टर टुमारो। सो द सेंटर इज फार अवे, ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर अवे। सो आई हैव टू मूव थ्रू ट्रेन बाय ट्रेन टू अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ माय स्टेट। सो वी आर गोइंग ऑन अ जर्नी। So currently I am at Ghaziabad right now. This is a district from Uttar Pradesh, India, and I have a train at 2:50 p.m. It was raining since 2 days, and right now the sun is in the sky and it's very hot right now. So फिर से sunny day वापस आ चुका है। By the way, do you know this city Ghaziabad is one of the most polluted city in the world? So right now I am living in most polluted city of the world, man. But the reason in which I live, it's quite good, not that bad. You can watch the greenery and the place, this place. It's quite not that bad, but there are industrial areas in this district which are very much polluted. You can smell the chemicals. This is traffic at bus stand. So I have reached railway station and you can see it's crowded a little bit. So guys, right now I'm in the train. So I was on time, and you can see a parallel train going with us. Watch the beauty, the green fields, crop fields. These trees look so damn good, man. So the train is almost 1 hour early on time. So we have to wait here for 1 hour. Look at these trees, man. These trees are so good, man. So damn good. What a plantation. This is Indian Railway Station. This station is good, man. Clean, very clean. So guys, we have reached our destination. सो गाइज अभी मुझे पता चला कि यहीं पे ही कॉलेज है, कहीं स्टेशन के पास ही। राइट नाउ आई एम जस्ट ट्रेवलिंग थ्रू द गलीज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट और अभी मुझे कॉलेज मिल गया है। ऑटो वालों से पूछा मैंने कि दे हैव सेड द कॉलेज इज नियर बाय, सो आई एम जस्ट गोइंग टू द कॉलेज। अभी भी डेस्टिनेशन का मतलब सेंटर का कुछ लता पता नहीं है ढंग से, और ये देखो बस गली में भटक रहे हैं। जस्ट थिंक आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस प्लेस एंड यहाँ पे गलियों में भटक रहा हूँ फॉर माई एग्जाम सेंटर एंड स्टिल भटक ही रहा हूँ। बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साइट। रास्ता बिल्कुल खाली है एंड देर इज नो वन टू गाइड। बस ऑटो वाला ने बताया कि यहाँ से 4 किलोमीटर है, गो स्ट्रेट विल गेट योर सेंटर। So let's see, because it's not showing on Google Maps.
सो दैट्स द बिग इशू। मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पे सेंटर भी है कोई यार। अरे यार कोई कॉलेज भी है इधर, दिख रहा है कहीं पे दूर दूर तक। दोनों तरफ खेती है, गांव का इलाका। बट दिस इज़ अ फैमिलियर वाइब ऑफ चाइल्डहुड। स्कूल के टाइम, बचपन के टाइम में ऐसे ही स्कूल में जाते थे, दूर दूर रस्त सड़कों पे चल के। यार क्या खंडर सा इलाका दे दिया यार सेंटर। इतना दूर कुछ नहीं, ना गाड़ी ना कुछ। अभी एक लिफ्ट मिली थी 3 किलोमीटर कम से कम, छोड़ा बंदा, और इसके आगे पैदल चल के जा रहा हूँ। बाजारें बंद पड़ी हैं जो छोटी छोटी हैं। सो गाइस ये मेरे को सेंटर मिला है अपना, देख रहे हो कहाँ पे है भाई। मतलब समझ लो बहुत कहीं दूर दूसरे किसी के गांव में, बट गांव वाली वाइब भी अच्छी लग रही है गांव का नज़ारा देखकर। लेकिन बहुत दूर है यार, इतना दूर कौन सेंटर देता है यार। कम से कम अपनी डिस्ट्रिक्ट में तो दे दिए होते परमानेंट एड्रेस पे, दूसरे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पे दिए हैं। एंड यहाँ पे देखो यार, खेतों के बीच में बहुत दूर, ना कहीं रहने का ठिकाना है ना कुछ है। यहाँ से जो अकबरपुर स्टेशन है वो कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। और अभी जाके जस्ट कंफर्म करना जाके कि हाँ यही सेंटर है या नहीं अभी भी। सो ये रहा मेन गेट कॉलेज का, चलो अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, क्या यही सेंटर है, कंफर्म कर लेते हैं। पानी पानी है भाई इधर उधर। तो गाइस ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। जंगलों के बीच में, खेतों के बीच में, जंगल भी नहीं, खेतों के बीच में एक छोटा सा जंगल, जहाँ पे आप स्कूल की हालत देख सकते हो। बचपन की याद दिला दे रहे हैं, बचपन के ऐसे स्कूल होते थे। ओह माय गॉड, वेल मेंटेन्ड। बैंचुत गिर ना जाओ। सो ये हमारा सर्वोदय इंटर कॉलेज, जहाँ हमारा सेंटर है यार। ये सेंटर है, यहाँ पे तो चेयर भी नहीं दिख रही है, रूम खाली खाली लग रहा है यार। यहाँ पे तो कुछ भी, देख रहे हो सीटों की हालत है क्या है यार। ये हमारा केमिस्ट्री लैब। इधर में थोड़ा सा तो सही है, चेयर वेयर लगे हुए हैं। सो गाइस कंफर्म हो चुका है कि यही सेंटर है, कल तक आना है। तो अभी वापस चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। सो ये था हमारा सेंटर, जो कि काफ़ी दूर है, और कॉलेज की स्थिति भी उतनी सही नहीं लग रही है। बाकी बेंचेस तो किसी किसी रूम में सही हैं बेंचेस, बाकी कुछ रूम में खंडर जैसा हाल हो रहा है। और मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है, और क्या ही बताएं। सेंटर का हालत देख के मुझे मतलब तरस सा आ रहा था कि यार कहाँ भेज दिया यार। सरकारी स्कूल से ही, मतलब जो सरकारी स्कूल हमारी एक इमेज है ना कि ऐसा स्कूल होता है, उस वैसा ही है या उससे भी बोलो नीचे ही है थोड़ा सा, कॉलेज के इंटर कॉलेज के हिसाब से। बाकी ये हमारा ग्रीन क्रॉप फील्ड्स, हमारे देश के खेत, काफ़ी अच्छा लग रहा है अकेले में। लेकिन क्या ही बोले यार, अभी रहना कहाँ है वो तो देखना पड़ेगा। सो गाइस उस लोकेशन से मेरे को लिफ्ट मिल गई थी, और मैं मैनेज कर पाया कि अकबरपुर बस स्टैंड तक आ पाया। और देन माय बैटरी गॉट फिनिश्ड, सो वहाँ पे एक दुकान पे मेरे को चार्ज करना पड़ा। 15-20 मिनट चार्ज किया, एंड देन आई सर्च, ही सजेस्टेड द दुकान, शॉपकीपर सजेस्टेड मी दिस होटल विच इज़ 200 रुपीज़ पर 24 आवर्स। सो इट्स अ नाइस डील एंड ठीक ठाक है फॉर सिंगल गाई।